सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़हीम, वेलकम बैक टू द चैनल फ़हीम ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ साथियों, अगर किसी साथियों मेमने को या 3 से 4 महीने के बकरे को साथियों फीवर आ जाता है तो वहाँ पर आपने उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, और साथ में फीवर के साथ पेट में ब्लॉट हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है, अफरा बन जाता है, तो वहाँ पर आपने कैसे उसका इलाज करना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इसकी केस हिस्ट्री के बारे में। तो भाई परसों इस फीमेल को साथियों मंडी से खरीद के लेके आए थे, और मंडी से खरीद के लेके आने के बाद साथियों इसको ज़्यादा मात्रा में नाज खिला दिया। नाज खाने की वजह से साथियों इसने पानी तो इतना नहीं पिया, पानी गनीमत की बात यह है कि पानी इसने नहीं पिया, जिसकी वजह से इसको एसिडोसिस नहीं बनी। और नाज ज़्यादा खाने की वजह से साथियों इसके पेट में अफरा बना हुआ है, गैस बनी हुई है, और साथ में 106 फीवर आ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि पेट में अफरा भी है, गैस भी है, तो आपने कैसे इलाज करना है, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर साथियों पशुपालक का ये मानना होता है कि जो भी बकरा या बकरी मंडी से खरीद के लेके आते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वो बकरा ज़्यादा से ज़्यादा नाच खाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भूख लगे और जल्दी वो तगड़ा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में साथियों आपने क्या काम करना है, कभी भी ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले आपने मंडी में साथियों देखना है बच्चे को कि उसके पेट में अफरा या एसिडोसिस तो नहीं बनी है, और बच्चे को जब भी आप मंडी से लाएं तो उसको देख लें आप उसको कि उसको दाना नहीं देना है, उसको सिर्फ नॉर्मल हरे पत्ते पर रखना है और ज़्यादा नहीं खिलाना है। तो होता यह है कि साथियों पिछले एटमॉस्फेयर में किस तरह से आया, उसको पीछे दाना मिला है या नहीं मिला, और आपके यहाँ पर जैसे ही आगा अगर वो उसने दाना ज़्यादा खा लिया तो उसको साथियों डाइजेशन नहीं हो पाएगा, डाइजेस्टिव नहीं हो पाएगा, और पेट में अफरा आने लगेगा, गैस बनने लगेगी। पेट में अफरा भी है इसके और साथ में 106 फीवर भी है। इन्होंने रात से इसको दवा दे रहे हैं कुछ देसी, लेकिन अफरा नहीं टूट रहा है। तो सबसे पहले हम इसके फीवर का इलाज करने वाले हैं। फीवर में हमने साथियों उसके लिया है इंद्रोफ्लॉक्सासिन, 1 ml हमने इंद्रोफ्लॉक्सासिन लोड करा है, देख सकते हैं। और सबसे पहले हम इंजेक्शनों को लोड कर रहे हैं। दूसरा इंजेक्शन है साथियों एविल, 0.5 ml हमने इसको एविल लिया है और 0.5 ml हमने इसको लीवर एक्सट्रैक्ट लिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके साथियों ये भी डीप इंटरमस्कुलर लगाने हैं। और तीसरा इंजेक्शन है साथियों मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल, चाहे आप मेलोनेक्स प्लस ले लें, मैंने यहाँ पर मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल लिया है। तो इस तरह से तीनों इंजेक्शन को लगा दें, और फिर आपने साथियों बकरी का दोबारे फीमेल का टेम्परेचर चेक करना है इवनिंग में। अगर फीवर उसको बना रहता है तो साथियों वहाँ पर आपने मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज़ करना है। मोनोसेफ में सेफ्ट्रैक्सोन साल्ट होता है और फीवर के लिए, इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये आपने साथियों रिपीट करना है, 2 इंजेक्शन ये मोनोसेफ के आप रिपीट कर दें। अगर फिर भी फीवर नहीं टूट रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें, इंशाल्लाह इस डोज से साथियों, इस ट्रीटमेंट से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और अफारे के लिए साथियों आपको सभी को पता है अफारा तोड़ने के लिए साथियों सीरप आती है ब्लोटोसिल, ये सिरप हमने साथियों 10 ml इसको पिलवाई है, और 10 ml साथियों 2 घंटे के अंतराल में आपने पिलवा देनी है, तो अफरा भी खत्म हो जाएगा। और भूख बढ़ाने के लिए आपने डीपी स्ट्रॉन्ग रूमिनेट पाउडर का आप यूज़ करना है, चाहे तो आप रूचा मैक्स ले लें, चाहे आप डीपी स्ट्रॉन्ग ले लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।